बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का हाल देखना हो तो पूर्णिया के 22 स्वास्थ्य केंद्र आकर देखें, जहां डिलीवरी कराने आए मरीजों से जमकर वसूली की जाती है। यहां वर्षों से वसूली की आड़ में रेफर करने का भी खेल खेला जाता है, यानी जो मरीज यहां के नर्सों को पैसा नहीं देता है उसे बाहर रेफर कर दिया जाता है। कितना मांग कर रहा था? 2000 पंद्रह से लिए ड्राइवर से पैसा पहचा करके तब दिए उसको। किस चीज का पैसा मांग रहा था? बस ड्राइवरी का, सुई का। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी है तो क्या है, उसको लेता है सरकारी है, फिर भी ले रहा है उसके लिए। नहीं बोले कि सरकारी बोले, मानता नहीं है तो क्या करे। 3000 आपसे डिमांड किया, मांग किया तो हम 3000 नहीं दिए उसको, 1200 दिए। किस चीज का पैसा मांग रहा था? वही बोलता है इधर निकास करने का, पेशेंट को देखभाल करने का, हाँ डिलीवरी करने का। वो तो शनिचर का हुआ था, एक गो लड़की को लेके आज आया, लेके आया। कौन जो वहाँ निकास करता है वो लेता है, जो लिखा पढ़ी करता है वो लेता है, जो पर्ची बनाता है वो लेता है। नाम जानते हैं उसका? वो लोग का नाम नहीं जानते। इतना ही नहीं, यहाँ के सरकारी नर्सों पर आरोप है कि खराब सरकारी अस्पताल का हवाला देकर यही नर्स बाहर के निजी क्लिनिक में पैसा लेकर डिलीवरी कराती है। कई लोगों ने खुद नर्स के सामने कैमरे में पैसे लेने की बात भी कही। यहाँ पे यहाँ का सिस्टम क्या है काम करने का? ये लोग का जो नॉर्मल से नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे होता है, ये लोग क्या करता है आदमी को डरा देता है। डराने के बाद ये लोग क्या बोलता है, जो ये नहीं वो बहुत सीरियस है, कंडीशन सीरियस है, चलिए आप वहाँ लेकर चलिए फरना जगह, 10000 इतना खर्चा होगा। सुनिए तो यहाँ ये लोग क्या करता है, वही जो डिलीवरी यहाँ होना चाहिए वो बाहर में रूम में ले आके सेपरेट करवाता है, 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये लेता है लोग। हम बोले थे सरकारी हॉस्पिटल है तो वो बोला क्या जाओ जहाँ प्राइवेट है वही में जाओ। वहीं आरोपी नर्सों से इस बारे में जब बातचीत की गई तो नर्सों ने खुशी से पैसे लेने और कोई मेहनताना के रूप में पैसे लेने की बात कबूल की है। हाँ हमसे लिया है, हमसे लिया है, यही लिया, हाँ यही लिया है। कितना लिया था? ये 350 जी जी। ये बोला था सब कर रहा है तू, आप कैसे हो, ये सब कर रहा है तू। नाम क्या आपका? आपका क्या नाम है? जमीला देवी। आप किस पद पर है? लोग ऐसे पैसा लेते हैं कहाँ, लोग खुशी से जो पैसा ले रहे हैं, किस चीज का पैसा ले रहे हैं? खुशी से हमको दिया है 100 रुपया, पूछिए वहाँ जाकर। हम मांगे 200 रुपया दिया, फेंक दिया। नहीं कसम नहीं फेंके, हमको फंसा तो नहीं फेंके। नाम क्या आपका? अनीता। हाँ अनीता, किस बात का पैसा ले रहे हैं? खुशी से ले, किस बात का ले, क्या कहने का आपको? आप यहाँ सरकारी जॉब में है ना, मेहनत मेहनत किए थे। औरत के पूछिए आप जाके, औरत सबके पूछिए कि कितना हम मेहनत किया, खुशी से दी। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार इन नर्सों को भारी भरकम तनख्वाह दे रही है तो फिर मरीजों को डराकर इनका दोहन शोषण क्यों की जा रही है? इस बारे में जब यहाँ के चिकित्सा प्रभारी से बात करने का प्रयास किया गया तो पता चला साहब खुद ड्यूटी पर आज नहीं आए हैं। अब ऐसे में गरीब मरीजों से लूट होना लाजमी है, जिसमें सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है। 22 से सिटी हलचल के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सभी ब्रांड के आकर्षक फैशनेबल परिधान के साथ साथ दुल्हे के लिए मान्यवर का एक्सक्लूसिव शोरूम द बिग शॉप में कपड़ों की खरीदारी करके देखें। द बिग शॉप शोरूम, कालीबाड़ी रोड, डिलक्स होटल के सामने, भट्टा बाजार, पूर्णिया।